हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज के क्रिस्पी पकोड़े। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 5 प्याज, जिनको मैंने काट लिया है लंबा लंबा, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और 200 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है। तो आइए प्याज के पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। के लिए तेल गरम करना रख दिया है। जब तक हमारा तेल गरम होता है हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे करके इसमें बेसन डालेंगे, एकदम से ना डालें, क्योंकि ये प्याज की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जो कुछ प्याज होते हैं वो ज़्यादा बेसन लेते हैं, कुछ प्याज होते हैं वो कम बेसन लेते हैं। धीरे धीरे करके मिक्स करें। इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, जो जो मसाले हमने लिए हैं सारे। मिक्स करें। इसमें हम बहुत कम पानी यूज करते हैं, तो पहले हम इसमें बेसन को अच्छे से मिला लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से। मैंने बेसन इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने लगभग आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करा है, अप्रॉक्स 100 to 150 ml पानी यूज़ करा है मैंने इसको बनाने के लिए। अब हमारा बैटर रेडी है, इसको ज़्यादा पतला ना बनाए। अब हमारा बैटर रेडी है, अब हम पकौड़े तलते हैं। हमारा तेल रेडी है या नहीं है, इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे हम। ये देखिए हमारा जो तेल है वो पकोड़े तलने के लिए रेडी है। हम ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम पे नहीं पकोड़े तलते हैं, हमें फ्लेम को थोड़ा लो मीडियम पे ही रखना होगा, वरना पकोड़े बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम अपने और जो पकोड़े हैं ऑनियन के वो डालते हैं। इनको हम अनियन फ्रिटर्स भी बोलते हैं, बॉम्बे में बहुत फेमस है। ऐसे कर करके डालें हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, फ्लेम को आप हाई ना रखें। ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो बैटर है हम पूरे बैटर के भजिए बना लेते हैं। देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, उनको हम अब धीरे धीरे करके निकालेंगे पेपर टॉवल पे। ऐसे करके निकालें आप इसको। सॉस, टमाटो केचप, हरी चटनी, लाल चटनी, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। ये एक बहुत ही अच्छा टी स्नैक्स है, बारिश के मौसम में बहुत चाव से खाया जाता है इसको। पकौड़े बन के रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप डाल सकते हैं, नहीं मन करे तो योर चॉइस। इसको हम सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप, चटनी, कोई भी आप अपनी चॉइस की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। गर्म गर्म पकौड़े खाइए और मजा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।